हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ टमाटर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टमाटर का मुरब्बा बनाने के लिए हमने टमाटर लिया है 500 ग्राम। हमने टमाटर को अच्छे से धुल करके सुखा करके रख लिया है। इसको हम काट लेंगे। इसको हमें इस तरह से पहले दो पीस करना है, फिर इसको बीच से हम काट देंगे। इस तरह से चार पीस में काटेंगे। इसी तरह से हम पूरे टमाटर को काट के रख लेंगे। मुरब्बा बनाने के लिए हमें लाल और पके हुए टमाटर चाहिए। देखिए, हमने पूरे टमाटर को काट के रख लिया। अब इसे उठा के हम साइड में रखते, इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तब उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ और साथ ही 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 2 तेज़पत्ता और 3 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इन्हें थोड़ी देर हम भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। कटे हुए टमाटरों को डाल के थोड़ी देर हमें इन्हें भून लेना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और साथ ही हम गुड़ डालेंगे। 1 गुड़ हमने अच्छे से इसको फोड़ के ले लिया था, उसको डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढक करके 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट हो गया है, आइए इसे देखते हैं। ये देखिए गुड़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन्हें हम ढक करके थोड़ी देर और पकाएंगे। इन्हें हमें बीच बीच में देखते रहना है। आइए देखते हैं, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे ढक करके थोड़ी देर और पकाएंगे। आइए इसे देखते हैं। ये देखिए टमाटर का मुरब्बा हमारा अच्छे से पक चुका है। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।